हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे और जिसको कहते हैं गार्लिक मशरूम्स। ये एक ड्राई रेसिपी है, ग्रेवी वाली नहीं बनती है। ये इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्विक बनने वाली रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स में एक प्याज है और दो मेरे पास हरी मिर्च हैं। यहाँ पर मेरे पास 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं और यहाँ पर मेरे पास करीब 200 ग्राम मशरूम्स हैं। इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है बिकॉज इट्स गार्लिक मशरूम। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब चॉपिंग कर लेंगे हम इसकी। सो गाइस, हमारी चॉपिंग हो चुकी है। यहाँ पर हरी मिर्च को मैंने ऐसे काटा है स्लाइड्स में, प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है और लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखा हुआ है। यहाँ हमारे पास 200 ग्राम करीब मशरूम थे जिसको मैंने बड़े वाले मशरूम को मैंने 1/3 काटा है, इन 3 स्लाइसेस में काटा है, और जो मीडियम साइज़ के मशरूम थे उसको मैंने 1/2 काटा है। सो अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्विक रेसिपी। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली ली है और गैस मैंने चालू कर दी है। अब इसके अंदर मैं बटर ऐड करूँगा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बटर ऐड कर दिया है, ऑलमोस्ट 50 से 60 ग्राम। ये सॉल्टेड बटर है या मैंने अमूल वाला बटर यूज़ करा है। अब एक बार बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। तो बटर वेट करते हैं उसको मेल्ट होने का। तो गाइस, बटर हमारा मेल्ट हो चुका है। यहाँ मैं प्याज ऐड करूंगा जो मैंने चॉप करके रखी है। तो गाइस, प्याज मैंने ऐड कर दी है। अब इसको सॉटे करेंगे हम, और जब प्याज हल्की सी कैरामलाइज हो जाएगी तब हम इसके अंदर अपने मशरूम ऐड करेंगे। ये बहुत क्विक रेसिपी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा फालतू मसाले नहीं डलते हैं, ना ज़ीरा ना कोई और खड़ा मसाला, कुछ भी नहीं डलता। सिर्फ मसालों के अंदर दो चीज़ डलेंगी, एक काली मिर्च और एक नमक। सो गाइस, हमारी कैरमलाइज हो चुकी है प्याज, और अब यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है कुटी हुई, करीब 1.5 चम्मच काली मिर्च है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगा। अब इसको मिक्स करेंगे। गैस मैंने यहाँ पे थोड़ी स्लो कर दी है। अब काली मिर्च हमने ऐड कर दी है, इसके बाद हम इसके अंदर अपने मशरूम ऐड करेंगे जो हमने काट के रखे थे। यहां पे मैं गैस को फुल कर दूंगा। सो मशरूम्स को गाइस मैंने मिक्स कर दिया है प्याज और काली मिर्च के साथ। अब हम इसके अंदर अपने चॉप करे हुए गार्लिक ऐड करेंगे जो मैंने चॉप करके रखे थे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे गार्लिक ऐड कर दिया है। गार्लिक के साथ मैं यहाँ पे बस आधा चम्मच नमक यूज कर रहा हूँ बिकॉज हमने सॉल्टेड बटर यूज करा था, तो बहुत रहेगा इतना नमक हमारे लिए। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब और इसको बस हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो गाइस, इसको हमने ढक के नहीं पकाना है, इसको बस हमें फुल फ्लेम पे रोस्ट करना है मशरूम्स को। इसमें हमने नमक ऐड कर दिया तो थोड़ी देर में पानी छूटेगा ना मशरूम्स का, तो ये ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे। अभी से ही बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मशरूम हमारे 80% डन है, ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। मशरूम बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज में है।
अब इसके अंदर बस हमें फाइनल स्टेप फॉलो करना है, विच इज़ धनिया। मैंने यहाँ पे धनिया चॉप करके रखा हुआ है। धनिया इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, और बस धनिया ऐड करने के बाद ये कंप्लीट है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मशरूम हमारे हल्के से ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ये वाला मशरूम है, हल्का सा ये ब्राउन हो चुका है, और ये हल्के से लगने भी शुरू हो गए हैं कढ़ाई पे। तो इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। धनिया इसके अंदर बहुत सारा जाएगा, और ये धनिया गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। इसको बस अब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। सुखाई रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी शक्ल लग रही है इसकी। आई एम श्योर टेस्ट में बहुत बढ़िया है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले एडिड नहीं है, बस यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड करूँगा, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको ऐड करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, वेजिटेरियंस के लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। सो इसको प्लेटिंग करते हैं। सो गाइस, की प्लेटिंग भी हो चुकी है। इट्स लुकिंग लवली, स्मेलिंग वेरी डिलीशियस। हल्का सा धनिया ऐड करेंगे ऊपर से। सो गाइस, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, जिम वालों के लिए इट्स अ पैराडाइज, और आई एम श्योर नॉनवेज लवर्स के लिए को भी ये बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं है, बस बटर में जो फैट है वो भी है, और उसके बाद भी बटर हमारा रोस्ट हो चुका था तो ज़्यादा फैट नहीं है इसमें। सो मशरूम्स वैसे भी हेल्थ के लिए इट्स वेरी गुड, एंड आई एम श्योर कि बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बताइए कमेंट्स में मुझे ये कैसा लगा आपको, और इसको प्लीज़ ट्राई कीजिए, खा के मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।